आज हम जानने वाले हैं कि कैसे हम अपना पिरामिड क्यूब या फिर पैरामिक्स क्यूब, आप जो भी प्रोनाउंस करते हो, कैसे हम इसको सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल मेथड से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। भाई मैं आपको इतनी आसान तरीके से समझाने वाला हूँ ना कि अगर पांचवी क्लास का बच्चा भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसकी समझ में बड़े आसानी से आ जाएगा। भाई कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई हार्ड काम नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के हम एकदम सिंपल तरीके से इस क्यूब को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसको स्क्रैम्बल कर लेते हैं। आई होप ये ठीक ठाक स्क्रैम्बल हो चुका है। अब जैसे स्क्रैम्बल हो, हमें सबसे पहले सॉल्व करना है इसके कॉर्नर। कॉर्नर मतलब आपको ये टिप नजर आ रही है, ये वाली और ये वाली, हम ये वाली सॉल्व करेंगे। अब वो कैसे, मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। यहाँ आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मेथड नहीं है, कोई एल्गोरिथम नहीं है, बस आपको सिंपली एग्जाम्पल के तौर पर सपोज चलो हम ये वाला सॉल्व करते हैं, येल्लो वाला पीस सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इसका पीस अगर सॉल्व करना है तो हमें कहीं यहाँ वहाँ ढूंढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भाई, यहीं पे हमें इसको सॉल्व किस समय यहीं पे मिल जाएगा। बस सिंपल तरीके से इसको हमें एक बार रोटेट करना है, देखना मैच हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं दोबारा रोटेट करेंगे, मैच हो गया। देख सकते हैं आप ये वाला येलो पीस मैच हो चुका है। जैसे आपका ये वाला पीस सॉल्व हो जाएगा तो आप इसके आसपास देखेंगे कि आपको एक ग्रीन वाला भी सॉल्व हो जाएगा और रेड वाला भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से हमें ये वाला भी सॉल्व करना है। यहाँ पे कौन सा पीस है, ग्रीन, हमें इसी को रोटेट करेंगे, कहीं यहाँ वहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली इसको जगह पे रोटेट करना है। मैच हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं दोबारा करेंगे, हो गया देखिए हो गया, अरे ब्लू को ब्लू भी मैच हो गया, रेड को रेड भी मैच हो गया। इसी तरह हमें इसको भी रोटेट करना है, नहीं हुआ हो गया। इसी तरह हमें सभी कॉर्नर ऐसे सॉल्व करना है, बस जगह पे ही इसको रोटेट करके। आप देख सकते हो सभी अपने अपने कॉर्नर पीस अपने जगह पे सही आ चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है, भाई इसके बाद भी हमें कॉर्नर ही सॉल्व करने हैं। आप बोलेंगे वो कैसे, वो तो हमने अभी कर दिए हैं, मैं आपको समझाता हूँ ना। अभी हमें सबके सारे के सारे कॉर्नर एक जगह पे लेके आने हैं। वो कैसे, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे येल्लो है, अब हमें यहाँ पे भी येल्लो लेके आना और यहाँ पे भी येल्लो लेके आना है। इसमें भी कोई मुश्किल काम नहीं है भाई, हमें भी इसी को जैसे हमने ये वाली सॉल्व किया था जगह पे रोटेट करके, वैसे ही हमें ये वाला भी ऐसे ही सॉल्व करना है, बस सिंपली इसको जगह पे रोटेट करना है। वो कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पे येल्लो है, इसको हम रोटेट करेंगे, मैच हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं दोबारा करेंगे। देख सकते हो यहाँ पे भी येल्लो आ चुका है। इसी तरह हमें ये वाला भी ऐसे ही सॉल्व करना है। देखो भाई नीचे था, हम इसको सिंपली घुमा के ऊपर लेके आना है, मैच हो गया। तो हम आप देखेंगे हमारे यहाँ पे ये भी सॉल्व हो चुका है, ये भी सॉल्व हो चुका है और बाकी येल्लो सॉल्व होने के बाद हमारे कॉर्नर सब सॉल्व हो चुके होंगे, बस ऊपर वाला एक सिंपल बचा है। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, देखना है हमें कौन से पीस लाने हैं, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे भी हमें रेड चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, दैट्स इट। एकदम सिंपल मेथड है भाई, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई हार्ड काम नहीं है, हमें जगह पे बस हमें रोटेट करना होता है, यहाँ वहाँ ढूंढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से हम इसके सारे कॉर्नर जो है सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब कॉर्नर सॉल्व हो जाने के बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आप यहाँ देखेंगे हमने यहाँ हर पूरे कॉर्नर सॉल्व करने के बाद आप बाहर आते हैं यहाँ एच पीसेस की। एच पीस कौन से भाई, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो अनसॉल्व नजर आ रहे हैं, ये है एच पीस। अब हमें ये सॉल्व करनी है, तो इसकी भी एक सिंपल सी ट्रिक है, आपको बताता हूँ मैं। पूरे कॉर्नर सॉल्व हो गए, बारी एच पीसेस की, हमें कौन सी भी साइड पकड़नी है, पकड़नी मतलब कोई सी भी साइड चॉइस करनी है। जैसे कि इसमें सबसे मुश्किल मुझे तो फिलहाल येल्लो ही नजर आ रहा है, तो हम येल्लो सॉल्व करते हैं। तो आपको ये पीस सॉल्व हो गए, हमें करना है ये वाले पीस सॉल्व, कौन सा आएगा आपको देख कर समझ में आ रहा होगा, येल्लो एंड ब्लू। इसको थोड़ा ब्राइट क्यों हो रहा है भाई साहब ये, हाँ हो गया, यहाँ पे येल्लो और ब्लू। अब सिंपल सी बात है, येल्लो और ब्लू हमें पहले ढूंढना है कहाँ है, कहाँ है वो, तो यहाँ पे लगा है भाई येल्लो और ब्लू। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये वाला सॉल्व करते हैं, येल्लो एंड रेड, वो का है वो यहाँ पे है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल 3x3 रूबिक्स क्यूब की तरह यहाँ पे एक ट्रिक है। जैसे कि हमें येल्लो को नीचे लेके जाना है और रेड को ऊपर ही रखना है, तो हम इसको सिंपली यहाँ रोटेट करेंगे, इस जगह से यहाँ पे साइड करेंगे और नीचे वाला हिस्सा ये वाला जो है इसको ऊपर लेके आएंगे और इस वाले को बराबर अपनी जगह पे सेटअप कर देंगे, हो गया। अब इसको अपनी जगह पे अलाइन कर देंगे, देख लो भाई सॉल्व हो गया। दूसरा वाला कौन सा आता है, येल्लो एंड ब्लू, येल्लो एंड ब्लू कहाँ है भाई, ये रहा, सिंपल ट्रिक, यहीं पे बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है। क्या करेंगे, इसको ऊपर निकालेंगे, निकाला, इस येल्लो को यहाँ पे अलाइन करेंगे, हो गया। इसके बाद इस वाले को नीचे कर देंगे, हो गया भाई, कुछ मुश्किल नहीं है, कोई एल्गोरिथम नहीं है, एकदम सिंपल सी ट्रिक है।
अब बाकी बचा ये वाला येलो एंड ग्रीन, ये वाला कहाँ है भाई? ये रहा, पीछे था सिंपली इसको यहाँ पे लेके आएंगे, आ गया। इसको क्या करना है, अपने येलो को नीचे लेके जाना है और ग्रीन को ऊपर ही रखना है। सिंपल से साइड किया इसको, इस वाले पीस को ऊपर लेके गए, ये वाले पीस को यहाँ पे अटैच किया, हो गया। अब इसको यहाँ पे अलाइन कर देना है भाई। आप देख सकते हैं हमारी येलो लेयर पूरी सॉल्व हो चुकी है, येलो के साथ साथ इसके साइड है ये भी सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे इन इन पीसेस की, एज पीसेस की। चलो देखते हैं अगले पार्ट में। येल्लो वाला पार्ट सॉल्व करने के बाद अब बारी आती है इन एज पीसेस की, जिसे हम अभी सॉल्व करने वाले। इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है भाई, एकदम सिंपल सी ट्रिक है, कोई एल्गोरिदम नहीं है, आपको बताता हूँ मैं। येल्लो वाला सॉल्व हो गया, इसको हम रखेंगे नीचे, कहाँ? नीचे रखेंगे। अब जब येल्लो सॉल्व हो गया तो हमें ऊपर कोई ना कोई पीस तो एक बदता हुआ नजर आएगा, जब अभी तो हमें नजर नहीं आ रहा है, बट हम देखेंगे। आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। अभी ये मैच हुआ, ये एक भी नहीं हुआ, और रोटेट करते इसको हम, मैच हुआ जी, बिल्कुल नहीं हुआ, दोबारा रोटेट करेंगे, मैच हुआ। देखो भाई ये वाला मैच हो गया, ब्लू को ब्लू, ग्रीन को ग्रीन। जब भी हम येलो वाला पूरा सॉल्व करेंगे ऊपर कोई ना कोई पीस तो 100% मैच होना ही होना है। तो जो सॉल्व पीस है उसको हम रखेंगे आगे, और जो अनसॉल्व पीस है उसको रखेंगे हम अपने साइड। ये वाला अनसॉल्व है, ये वाला अनसॉल्व है, ये वाला तो सॉल्व हो चुका है, येलो वाला नीचे, सॉल्व वाला आगे। और अब ये एक छोटी सी एल्गोरिदम है, नॉर्मल आप इसको एल्गोरिदम नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत छोटी सी है, आपको देखते समझ में आ जाएगा। हमें करना क्या है, सॉल्व वाला से पीछे, येलो वाला नीचे, आर को नीचे, एल को नीचे, आर को ऊपर, एल को ऊपर, इतना हो गया। अब हम देखेंगे हमारा नीचे वाला येलो एक टूट गया है, बिगड़ गया है, वो टूट के कहाँ गया, यहाँ पे। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हमें ये वाला पीस कैसे सॉल्व करना है। इसको लेफ्ट में लेके गए, टूटा हुआ पार्ट ऊपर लेके आए, इसको यहाँ पे अलाइन कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे सेटअप करना है। देख लो भाई ये वाला पीस सॉल्व हो गया। और आप बोलेंगे भाई ऊपर तो कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ, तो भाई हमें सिंपली इसको एक बार रोटेट करना है बस। देख लो भाई सब कुछ एच पीस मैच हो चुके हैं। अब बची है ऊपर की लास्ट टिप। अब मैं मेरे दोस्त को बोलता भाई इसको कैसे सॉल्व करना है, तो भाई वो लोग बोलते हैं कि इसको सीधी तरह उखाड़ दो और घुमा के लगा दो। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें आपका क्यूब सिर्फ बर्बाद हो जाएगा। इसमें भी एक सिंपल सी ट्रिक है, एल्गोरिथम नहीं है, बिल्कुल एक ट्रिक है, आपको एकदम ईजी तरीके से बताने वाला हूँ मैं। देखो सब सॉल्व हो गया, एच पी सी लग गए, बची वाली टिप। इसको हम क्या करेंगे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को आगे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को आगे। देख लो भाई चार बार करने पे हुआ नहीं हुआ, दोबारा ये ट्रिक करेंगे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को आगे, आर को ऊपर, यू को आगे, यू को नीचे, आर यू, आर को नीचे, यू को आगे। देख लो भाई पैरामिड क्यूब टोटली सॉल्व।